यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर अब ग्वार की, तो ग्वार में भी हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार गम और ग्वार सीड वायदा बाजार में तेजी की ओर सस्टेन होकर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ग्वार गम और ग्वार सीड में कैसे रुझान रहने वाला है? क्या अभी यहाँ पे आगे और तेजी बढ़ेगी या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली बनेगी? देखिए, जहाँ तक ग्वार कॉम्प्लेक्स का उसका सवाल है कि जो ये ग्वारक्स भी जो इंसिडेक्स लागू करने की सोच रहे हैं, जिसे इंडेक्स लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम के जरिए LSE के जरिए, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जनता को बताना चाहता हूँ, कारोबारियों की। यो LSE एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक्सचेंज ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले क्लाइंट को हमेशा लिक्विडिटी यानी बाइंग और सेलिंग की हमेशा उपलब्धता मिले, जिससे उसे ट्रेड करते समय आसानी से एंट्री और साथ में एग्जिट का मिल सके। इसके लिए एक्सचेंज सेबी नियमों के अनुसार मार्केट मेकर नियुक्त करता है, और मार्केट मेकर का काम यह होता है कि हमेशा बाइंग और सेलिंग की एक बुक को एक निश्चित डिफरेंस पर मेंटेन करके रखें, ताकि बाजारों के अन्य क्लाइंट से उस रेट में ट्रेड कर सकें। और LSE से आने वाली ये उम्मीदें भी लग रही हैं, CDX में ग्वारक्स के सौदे में व्यापार को प्रोत्साहन ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी डिटेल में चर्चा जरूरत पड़ने की भी हम करेंगे। लेकिन इससे जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्वार के अंदर बाइंग आते ही तुरंत सर्किट ऊपर के लगते हैं और जब इसी सेलिंग आते ही नीचे के सर्किट लगने लग जाते हैं, इससे जो निवेशक है या ये कारोबारी है वो काफी भ्रमित हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि फंडामेंटल मजबूत होने के बाद लोअर सर्किट कैसे लग रहे हैं, माल बिकवाली कोई खरीदार नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे होता है, और जब तेजी के सर्किट लगते हैं तो कोई बकवाल बिकवाल नहीं होता और वो लगातार तेज चलते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो तेजी मंदी की जो धारणाएं बनती है वो उसके अंदर एक कंफ्यूजन और एक दोहराया खड़ा हो जाता है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि जहां तक ग्वार सीड की लंबी अवधि के जो खिलाड़ी हैं या जो कारोबारी हैं, जैसे मैं पहले भी आपको लगातार अपडेट करता रहा हूं कि ग्वार सीड ने 2012-13 के बाद भाव ही नहीं देखे थे, और इससे किसानों का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ था, कारोबारियों का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ था, और वो लगभग इससे मोह मोड़ने लग गए थे। और लेकिन कुछ कारोबारी ऐसे थे जो पक्के दिल के थे, उन्हें या किसान थे, वो उनको अपना माल बेचना ही नहीं था जब तक उनके भाव न आए, तो उन्होंने 5-5, 7-7 साल से माल रखा हुआ था, लेकिन उनकी संख्या में बहुत कम है, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो कुल मिला के किसानों का मोह भंग होना, कारोबारियों का हिम्मत टूट जाना, और रही सही कसर मौसम और बरसात में भी इस साल की, तो कुल मिला के जो ग्वार के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत इसलिए हैं क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं वो पूरी आपूर्ति होना ही मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज, अच्छी और गुड क्वालिटी का ग्वार उपलब्ध नहीं है, दागी या काला जो है वो ज्यादातर उपलब्ध है। देश की विभिन्न मंडियों के अंदर धीरे धीरे जो अराइवल्स आनी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि आप लगातार मंडियों के अराइवल्स के ऊपर भी नजर रखें तो इसके आंकड़े थोड़े से लंबे हो जाएंगे, लेकिन कुल मिला के धीरे धीरे इसमें कमी आती जा रही है। तो अब सवाल ये है, करें क्या? अब तीन सवाल इसके अंदर बनते हैं कि ग्वार सीड क्या जिनके पास है क्या वो रोकें या बेचें, दूसरा जो ग्वार सीड फ्रेश सौदे करने चाहते हैं क्या वो खरीदें, या फिर जो जिनके पास माल ऑलरेडी है उसको बेच दें, या फिर अभी बिकवाली करके चलें। ये 3-4 प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे निवेशक हो, या एक्सचेंज के ऊपर हो। तो उसका मेरा एक ये सिस्टम है, ये मैं कह सकता हूं कि जो कारोबारी फ्रेश माल खरीदना चाहते हैं, जो किसान फ्रेश माल खरीदना चाहते हैं NCDX के ऊपर, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कि जिसके पास ग्वार सीड फिजिकल में उपलब्ध है या नीचे भाव का NCDX में लेके उन्होंने या फिजिकल में जिसके पास ग्वार सीड और ग्वार गम उपलब्ध है, उनको रोकना चाहिए। तीसरा जो सवाल यह है कि और जो
चौथा सवाल का जो उत्तर है, क्या अभी बेच देना चाहिए या खरीदना चाहिए? खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बेचने के लिए जिसके पास फिजिकल है उसको रोकना चाहिए। लेकिन ये वही कारोबारी ये निर्णय लें जिनके पास फिजिकल में माल है और वो डेढ़ दो महीने रोकने की स्थिति में रह सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं किसी भी कीमत के ऊपर तेजी के अंदर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मैं हमेशा यही कहूंगा कि जब मंदी आए तब आप खरीदिए तो आपके आपको रिस्क कम हो जाता है। तेजी में तेजी और मंदी में मंदी, ये व्यापार का ना तरीका था ना है और ना रहेगा। आप उन टेक्निकल लेबल्स को भी देखें कि जब तेजी आ रही है तो और तेजी कर रहे हैं और मंदी आ रही है तो और मंदी कर रहे हैं, दोनों जगह फंस रहे हैं। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कभी भी इस मत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये तेजी के अंदर आप काम करें। बिल्कुल आप लंबी अवधि का व्यू रखें, फंडामेंटल एनालिसिस रखें और जब माल नीचे के ऊपर उपलब्ध है उस टाइम आप खरीदें तो आप जीत जाएंगे, अन्यथा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं हमेशा कहता हूं, पुनः कहता हूं कि क्षमताएं पहचानो, अपनी कैपेसिटी को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। जितनी ताकत है उससे कम काम करो। 10 लाख की ताकत है तो 8 लाख का ही काम करो। 10 लाख की ताकत होने के अंदर 2 करोड़ का जो काम कर रहा है वो जीत तो जाता है, लेकिन ये उसी प्रकार होगा कि हर बॉल पे छक्का मारने गए तो ऐसे खिलाड़ी लंबे समय तक टीम में नहीं रहते और ऐसे व्यापारी लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहते। यही मेरा कहना है जी अखिलेश जी। जी,